प्ले ग्रुप हमारा 17 का काम है मंडे का, इंग्लिश रीडिंग करें। इंग्लिश रीडिंग में हमने पढ़ना है एफ, एफ को साउंड के साथ पढ़ेंगे। एफ का साउंड है फा, एफ आ फिश, एफ आ फैन, ठीक है। उर्दू रीडिंग में हमने पे पढ़ना है, पे पा पेंसिल, पे पा पत्ता, पे पा पंखा, ठीक है। इस्लामिक स्टडी में पे 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इंग्लिश पोइम आप अपने डेली पढ़नी है, इंग्लिश उर्दू दोनों। इंग्लिश वर्क बुक पेज 11 करेंगे। सी वर्क में ओरल में एबीसी सॉन्ग पढ़ेंगे, काउंटिंग 1 to 15। चलिए अब हम बुक्स की तरफ चलते हैं। प्ले ग्रुप इंग्लिश साउंड बुक है हमारी। आज हमने क्या पढ़ना है, एफ, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फिश, ये फिश है और ये फैन है, ठीक है। आपने ये टू वर्ड्स इंग्लिश के याद करने हैं। उर्दू कायदे में हमने पढ़ना है, ये हमारा उर्दू का कायदा है। उर्दू कायदे में हमने पे पढ़ना, पे के नीचे कितने डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, 1 2 3। पेपर पेंसिल, पेपर पत्ता, पेपर पंखा, ठीक है। उर्दू रीडिंग में इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन नंबर, ये इस्लामिक स्टडी की बुक है हमारी। इस्लामिक स्टडी का पेज 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सोने से पहले की दुआ पढ़नी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, व्हाट डू यू से बिफोर स्लीपिंग, ऊपर देखें, ये सोने के पहले से दुआ है। अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूत व हया, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने 1 करना है, ये सोने से पहले की दुआ भी याद करनी। इंग्लिश वर्क बुक है या हमारी, इंग्लिश वर्क बुक का पेज हमने 11 करना है, बी की प्रैक्टिस करनी है। आपने ये देखें डॉट्स के ऊपर लिखा हुआ, पहले आपने डॉट्स के ऊपर लिखना है, फिर नीचे देखिए 1 डॉट है, आपने फिर डॉट के साथ 1 डॉट से लिखना है, ठीक है। अगर आपको 1 डॉट से लिखना आता है तो आप लिखे, नहीं लिखना आता तो आप डॉट्स के ऊपर लिखे, ठीक है। बी फर्स्ट 3 लाइन्स में आता है, ठीक है। ये आपका सी वर्क का काम है मंडे का 17 तारीख का।